नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करें टीम इंडिया की, लगातार जीत का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या श्रीलंका की टीम रोहित शर्मा की जो एक ट्रेन चलती जा रही बड़ी ही स्पीड से जीत की ओर और T20 वर्ल्ड कप का मिशन है इनकी निगाहों में, क्या उसको रोक पाएंगे? आपको बता दें किस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का सोपड़ा साफ किया, उसके बाद वेस्ट इंडीज को ओडीआई और T20 में हराया और पहला मुकाबला श्रीलंका को 62 रनों की करारी हार का सामना कराया, जहां पर युवा खिलाड़ी ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ने दमखम दिखाया, खुद कप्तान ने भी रन बनाए थे, भुवनेश्वर कुमार ने विकेट चटकाए, वेंकटेश अय्यर को 3 ओवर दिए गए तो उन्होंने भी कमाल किया था। लेकिन बात करते हैं सेकंड T20 मुकाबले की। दोस्तों आपको बता दें आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस समय इंडिया को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इंडिया लगातार जीत रही है तो ऐसी कोई आलोचना या कोई ऐसी बड़ी अपडेट इंडिया को लेकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन सेकंड T20 मुकाबला दोस्तों धर्मशाला की पिच पर होना है। धर्मशाला की ओर बचे 2 T20 मुकाबले खेले जाने हैं, तो वहां पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है? क्या टीम इंडिया जडेजा के साथ ही उतरेगी? क्या टीम इंडिया युजवेंद्र चहल के साथ उतरेगी या वहां पर बदलाव करेगी? क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए वो मददगार हो सकती है पिच, जो पहाड़ियों की तरफ की पिच बताई जाती है। अभी आपने हाल ही में साउथ अफ्रीका का दौरा देखा था टीम इंडिया का, वहां पर तेज गेंदबाजों का अच्छा बोलबाला था क्योंकि वहां की जो पिचें थी वो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी। कुछ ऐसी धर्मशाला की पिच का भी रुख हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इस समय टीम इंडिया टॉस जीत रही है या टॉस हार रही है, फर्क नहीं पड़ता इस समय टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। आप 5 बल्लेबाज के साथ उतरा, पिछले मुकाबला देख लीजिए जो फर्स्ट T20 था, वहां पर 4 बल्लेबाज थे और 4 ऑलराउंडर थे हमारे पास, तब भी टीम इंडिया ने 62 रन की बड़ी जीत दर्ज करी और लखनऊ जैसी बड़ी पिच पर जहां बड़ा मैदान था वहां पर श्रेयस अय्यर के छक्के, रोहित शर्मा के छक्के, ईशान किशन के छक्के देखकर हर किसी का दिल खुश हो गया था। मतलब ये खिलाड़ी कुछ ऐसे जिन्होंने अपना कमाल अपने बल्ले से दिखाया, अपनी गेंद से दिखाया, आलोचना करने वाले इनकी आलोचना करते रह गए। लेकिन सेकंड T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो बिना किसी बदलाव के हो सकता है टीम इंडिया और टीम श्रीलंका उतरती नजर आए। दोनों की ही टीम में कोई यहां पर अभी तक इंजरी अपडेट सामने निकलकर नहीं आई है और दोनों ही टीम से कोई ऐसा कोविड का केस भी निकलकर नहीं आया, खुदा ना खास्ता निकल भी आए। और मतलब बात करें वानिंदु हसरंगा को पहले कोविड हुआ था तो वो बाहर हो गए थे सीरीज से, और ऐसे में बात करें दीपक चहर, सूर्य कुमार यादव अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, ऋषभ पंत, विराट कोहली को रेस्ट दिया गया था। लेकिन पहला T20 इतनी धमाकेदार तरीके से जीते हैं, दूसरे T20 में भी सेम प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर हो सकता है तो एकमात्र बदलाव ये हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को एक बार देखा जाएगा, टटोला जाएगा क्या उनका हैंड इंजरी जो था वो ठीक हुआ है या नहीं, उसके बाद टीम इंडिया कुछ फैसला ले सकती है। बाकी दोस्तों आप ये मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकेंगे। तो सेम प्लेइंग 11 ही हो सकती है टीम इंडिया की, जहां पर हमें रोहित के साथ ईशान किशन ही ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं, नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर जडेजा, फिर वेंकटेश अय्यर, दीपक हुडा, उसके बाद हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल। तो यही प्लेइंग 11 हो सकती है। उसके बाद बात करें किस तरीके से श्रीलंका को अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो इनकी बेंच पर अभी देखें धनुषा गुना तिलके मौजूद है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कुछ बहुत रन थोड़े बहुत तो यहां पर कमाल किया था लेकिन इतना कुछ छाप नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन बात करें बिनोरा फर्नांडो, ये थोड़ा कुछ कर सकते हैं, इनको हमने देखा है अलग अलग सीरीज में कमाल किया, लेकिन इंडिया के सामने के कमाल कर पाएंगे, खासकर रोहित शर्मा की रणनीतियों के आगे टिक पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो शायद सेम प्लेइंग 11 हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस प्लेइंग 11 में से कौन ऐसा है जो निकलकर सामने आ गया ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों सेकंड T20 मुकाबले से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। क्या लगता है दोस्तों रोहित शर्मा को अब कौन सी टीम है जो रोक पाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे, और आखिरी जो पहला T20 हार के बाद थोड़ा कप्तान रोहित निराश भी नजर आए क्योंकि कैच जो छूटी थी तो फील्डिंग को लेकर निराश है, वो भी सुधार होता नजर आएगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड T20 मुकाबले को लेकर। बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।